अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग क्रिएटर। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और गोभी की सब्ज़ी। हमने 1 केजी गोभी ली है, 1/2 केजी आलू लिए हैं। गोभी को बारीक नहीं काटना है, इसी तरह से काटना है और आलू को भी इसी तरह से काटना है। काटकर दोनों को अच्छे से धो लेना है। 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च, 2 चम्मच धनिया पिसा हुआ, 1/2 चम्मच हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार। 2 बड़े टमाटर को बारीक करके काट लेंगे। बघार के लिए 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 लहसुन, 5-6 हरी मिर्च, इन तीनों को बारीक करके पीस लेंगे। बघार के लिए 1 मीडियम प्याज, इसको बारीक करके काट लेंगे। कुकर में 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल अच्छे से हो जाने के बाद में इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो जाने पर इसमें जीरा डाल देंगे। अब इसमें पिसा हुआ मसाला और नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे और मसाले को अच्छे से भूनेंगे। जब मसाला तेल छोड़ देगा तो इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। अब इसमें हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की चटनी डाल देंगे। अब इसमें गोभी डाल देंगे और आलू डाल देंगे। अब इसमें 2 कप पानी डालकर इसमें 4-5 सीटी लगा लेंगे। अब इसको चख लेंगे। नमक अगर हल्का हो तो इसमें नमक डाल देंगे। गोभी गल चुकी है, अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे। गोभी बहुत तरह से बनती है, पर हमने ये गोभी बहुत आसान तरीके से बनाई है। लीजिए, गोभी आलू रेसिपी तैयार हो चुकी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।